My dear brothers and sisters, my homily will be in two languages. I will begin first in Urdu and then move towards English. I request your patience. मसीह खुदावन में मेरे अजीजों, एक शख्स सोया हुआ था कि ख्वाब में उसको ये पैगाम मिला कि पुल के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना है। वो जब उठा तो ये ख्वाब उसको बार बार तंग करता रहा। आखिरकार वो अपनी बीवी और बच्चों को जमा करके कहा, मुझे लगता है कि ये खुदा की तरफ से एक निशानी है और अगर ये खजाना मुझे मिल जाए तो हम अपनी गुर्बत से रिहाई मिलेगी, तो मैंने उस पुल को ढूंढना है ताकि उसके नीचे खजाना ढूंढे। वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर घर छोड़कर ढूंढने लगा, लेकिन जिस पुल के पास जाए कहता था कि नहीं ये नहीं है। आखिरकार 3-4 हफ्ते सफर करके एक पुल पे पहुंचा जिसको लग रहा था कि यही पुल है और नीचे जाके वो खोदना शुरू किया पर कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर में जब वो थक गया, प्यास लगी, तो उसने देखा कि एक झोपड़ी है और उसने जाके खटखटाया और वहां पर एक बुजुर्ग निकला, पानी पिलाया और फिर बुजुर्ग ने पूछा, इतने दूर तुम आए हो क्या करने के लिए? तो उसने अपना ख्वाब के बारे में दिखाया कि मुझे ख्वाब दिखाई दी कि पुल के नीचे खजाना है और वो बुजुर्ग हंसने लगा, कहने लगा कुछ बात मुझसे सुनोगे? उस आदमी ने कहा, जरूर बुजुर्ग बताएं क्या। उसने कहा, खजाना तो है लेकिन तुम्हें यहां पर नहीं मिलेगा, खजाना अगर तुम चाहते हो जहां से तुमने सफर किया उधर वापस जाओ और खोदो तो तुम्हें खजाना मिल जाएगा। और ये आदमी वापस गया, अपने घर पहुंचा, जमीन में खोदा घर के अंदर और उसे खजाना मिला। उसी खुदा में मेरे अज़ीज़ो, आज हम यहां सब जमा हुए हैं अपनी 75 साला जुबली आर्च डायसिस ऑफ कराची की इख्तितामी इबादत के लिए, क्लोजिंग सेरेमनी। और आज इस कहानी से हमें बताया जाता है कि हमें एक खजाना दी गई है और ये खजाना कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं बल्कि यहां आर्च डायसिस के अंदर ये है खजाना। जैसे मुकद्दस लॉरेंस कहता था, ये है हमारा खजाना। क्योंकि अगर आर्च डायसिस ऑफ कराची ने 75 साल के दौरान तालीम में, मेडिकल तौर पर अस्पतालों के नाते से, रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाते से जो काम किए हैं, यकीनन कराची के लोग, जिसमें सिर्फ मसीही नहीं मुख्तलिफ कौमों के लोग आज आर्च डायसिस ऑफ कराची के शुक्रगुजार हैं और हम भी शुक्रगुजार हैं कि इन 75 साला तारीख में आर्च डायसिस ऑफ कराची ने बहुत बहुत काम किए हैं और यकीनन इस जमायत एक खजाना है। इस 75 साला जुबली साल के दौरान हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें नौजवानों को, जिसमें खानदानों को दावत दी गई ताकि वो दुआ कर सके, गौरव खोज कर सके, खेलों के प्रोग्राम किए गए, सोशल प्रोग्राम्स किए गए, यूक्रिस्ट कांग्रेस हाल ही में किया गया। लेकिन क्या ये सब खत्म?
आगे को क्या हम करें। अगर आज की अंजील मुकद्दस को देखें तो अंजील मुकद्दस में यस्सु आखरत के बारे में जिक्र करता है, आखरत के बारे में, और यस्सु ये अल्फाज कहते हैं, इसी तरह तुम भी जब ये होते देखो तो जान लो कि यस्सु मसीह नजदीक बल्कि दरवाजे पर है। यस्सु हमें बताना चाहता है कि वो बहुत नजदीक हमारे दरमियान है, और हम जो जुबली साल के इख्तितामी इबादत के लिए आए हैं, पैगाम हमारे लिए यही है कि वो यस्सु जो जाहिर होने को है, हमारा काम है आज डायसीज ऑफ कराची में लोगों के सामने उसको जाहिर करें। हमारा काम है यस्सु का नक्श, यस्सु की तस्वीर आज डायसीज ऑफ कराची में पेश करें, दिखाएं। मेरे अजीजो, ये कोई आसान बात नहीं, और आज मैं आपके सामने तीन चैलेंजेस पेश करना चाहता हूं कि किस तरह हम यस्सु मसीह को आज डायसीज ऑफ कराची में वाज़े तौर पर जाहिर कर सके। पहला चैलेंज तो हमारे सामने है, वो ये है, हमारे नौजवान और हमारे मसीही खानदानों को दावत दे कि वो यस्सु के पीछे चले। सबसे पहला चैलेंज कि हम अपने नौजवानों को और खानदानों को दावत दे कि हमें यस्सु मसीह के पीछे चलना। 1849 में रोम पे हमला होने वाला था, और वहां पर जुजेप्पे गारिबाल्दी, जो इटली में हुब्बे वतन नौजवानों को दिलासा देने वाला, नौजवानों को जोश देने वाला था, वो नौजवानों से मुखातिब था। हमला बाहर से आने को था, और जुजेप्पे गारिबाल्दी जानता था कि मुझे अपने इन नौजवानों को उम्मीद देनी है, जोश देना है। तो उसने ये कहा कि मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता हूं, पैसे नहीं दे सकता हूं, मकान नहीं दे सकता हूं, जो दे सकता हूं वो तुम्हें भूख, प्यास, जबरदस्ती, मार्च करना, जंगे और मौत। लेकिन वो इंसान जो अपने मुल्क से मोहब्बत रखता है, जो पूरे दिल से अपने मुल्क से मोहब्बत रखता है और जबान और होंठों से नहीं, वो मेरे पीछे चलो। रेजीसो, आज डायसिस ऑफ कराची ने हेल्थ केयर और एजुकेशन में बहुत से काम किए हैं, और वो इसलिए क्योंकि 75 साल के दौरान हमारे पास ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने कहा जमायत को आगे बढ़ना है। इसी वजह से आज डायसिस ऑफ कराची में कराची के लोगों ने बढ़ चढ़कर हमारे स्कूलों के पास आए, हमारे हॉस्पिटल्स के पास आए, हमारे रिहैबिलिटेशन के पास आए। लेकिन मेरे अजीजों, आजकल हमारे लिए इन इदारों में लोगों के लिए मुश्किलात हो रही है। आज डायसिस में हमारे पास स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, प्रेस है, कम्युनिकेशन सेंटर, पर नौजवानों की कमी है। पिछले दफा जब हमारे नुंसियो एपिस्टोलिक नुंसियो आर्च बिशप जर्मानो पेनमोते जब वो हमारी छोटी सेमिनरी गए थे, तो वो हैरान हुए क्योंकि उस बड़ी सेमिनरी में सिर्फ 7 सेमिनरियन थे, और आज वो सेमिनरी जो 50 से ज्यादा सेमिनरियन के लिए जगह है, पता है कितने सेमिनरियन है? 3, सिर्फ 3। और अभी भी
आज बिशप मुझसे पूछ रहे थे कि कराची में क्या हो रहा है, और ये सिर्फ सेमिनरी में नहीं, मैं आज बिशप होने के नाते से जानता हूं कि जब मैं अपने स्कूलों की तरफ देखता हूं तो अच्छे प्रिंसिपल्स नहीं है, जब मैं अपने हॉस्पिटल्स की तरफ देखता हूं मुश्किलात है अच्छे लोग चुनने के लिए, है ही नहीं। जो हमारे तालीम याफ्ता है जुम मुल्क से बाहर, आज आपने और मैंने सोचना है कि ये जो हमारे बड़े इदारे हैं इनको चलाने के लिए हमारे नौजवान हमारे खानदान की जरूरत है। और जिस तरह जुसेप्पे गारिबाल्दी ने कहा कि हर कोई जो आज डायसीज ऑफ कराची से मोहब्बत रखता है, अपने दिल से मोहब्बत रखता है होंठों से नहीं, वो यीशु के पीछे चले। दूसरा चैलेंज वो है सिनिड का रास्ता चले। आप जानते हैं कि हाल ही में पोप फ्रांसिस अपने बिशपों के साथ और आम मोमिन के साथ 16वीं ऑर्डिनरी सिनिड इख्तिताम तक पहुंचा। पोप साहब इस बात पर जोर देता है कि कलीसिया की फितरत द नेचर ऑफ द चर्च इज सिनेडल, कि कलीसिया की फितरत सिनेडल है, लेकिन अफसोस ताकत कलीसिया की तारीख में ताकत और इख्तियार सब कुछ एक शख्स में या क्लर्जी में रखा गया। और फिर अक्सर क्या होता है चर्च में कि एक शख्स कंट्रोल करता है बाकी सब खामोश। पोप साहब कहते हैं नहीं, अगर हमने अपनी कलीसिया को बचाना है सिनेडल वे सिनेडल रास्ता अपनाना है। मैं आपको एक तो मिसाल देता हूं, बल्कि दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हाल ही में मैं लाहौर में हमारे कारितास पाकिस्तान जो पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी का काम करते हैं सोशल काम करते हैं उनकी जनरल बॉडी मीटिंग में था। और उस जनरल बॉडी मीटिंग जो पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे थे, मैं हैरान, सिर्फ और सिर्फ उस कमरे में मर्द बैठे थे, औरत लेडीज एक भी नहीं। और मैंने बाद में बिल्कुल आखिर में मीटिंग के आखिर में कहा, ये कारितास में क्या जेंडर इक्वालिटी कहां पे है। अक्सर दफा और पोप फ्रांसिस ने भी जोर दिया है कि नौजवानों को और औरतों को अक्सर दफा चर्च में नजरअंदाज छोटे छोटे कामों के लिए रखा जाता है, लेकिन पोप कहता है जब आप फैसला करते हैं तो मुश्तरका फैसला होना चाहिए, अकेला फैसला, अकेले बंदे का फैसला नहीं। आज डायसिस ऑफ कराची में हमारे पास बहुत बहुत खूबसूरत फादर्स, और मैं अभी यहां पे फादर तनीज मैस्क्रेनिस की मिसाल देना चाहता हूं जो बहुत पहले रेलत कर गए आज खुदा के पास है, लेकिन पैरिश चलाने का तरीका अनोखा था। वो ईमान रखता था कि पैरिश हम सब हैं, मैं नहीं, फादर नहीं, पैरिश प्रीस्ट नहीं, पैरिश हम सब है। और उसने अपने पैरिश में सब ग्रुपों को जिम्मेदारी दी, तुम्हारा काम इस्तकाम की तैयारी, बच्चों की इस्तकाम की तैयारी, ये टीम पाक शराकत की तैयारी, ये टीम समर वेकेशन में बच्चों के लिए समर प्रोग्राम करेंगे, ये ग्रुप चर्च की देखभाल और रेनोवेशन करेंगे। और वाकई में लोग इन जिम्मेदारियों को पूरा करते थे और सब कहते थे कि पैरिश हमारा है। मेरे जीसो सिनेडल वे का मतलब यह है कि हम पावर को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट ना कर दें, बल्कि सबको बुलाएं ताकि काम करें। पोप फ्रांसिस बार बार ये कहता है कि अगर अमेरिका में यूरोप में कलीसिया कम से कम होती जा रही है क्योंकि हम सिनेडल वे पर जोर नहीं दे रहे।
मेरे अजीजों, ये चैलेंज हमारे लिए है। और फादर्स, द बिगेस्ट चैलेंज इज फॉर अस टू फॉलो द सिनोडल वे, बिकॉज इट इज वी दैट कैन ब्रिंग अबाउट दिस चेंज। और तीसरा चैलेंज जो है वो है यीशु के रास्ते पर चलना, जो हमें गरीब माशरे के रद्द किए हुए लोगों के पास ले जाएगा, कि हम यीशु का रास्ता लें जो हमें गरीबों की तरफ ले जाएगी। यहां पे मैं डॉक्टर रूथ फाओ की कहानी बताना चाहता हूं। और यकीनन आप जानते हैं, डॉक्टर रूथ फाओ जब वो अपने मुल्क छोड़कर यहां बड़े सगीर इंडिया पाकिस्तान की तरफ आ रही थी, तो उनका मिशन सेट था कि उन्होंने इंडिया में जाके काम करना, लेकिन वीजा का मसला हुआ तो वो आके कराची में थोड़ी देर के लिए रुक गई। और डॉक्टर रूथ फाओ मौके का फायदा लेते हुए वो मैकलाउड रोड यानी सिटी रेलवे स्टेशन की तरफ गई, जहां पे लेपर कॉलोनी, कोढ़ की बीमारी उन वहां की कॉलोनी। और जब उन्होंने देखा कि ये लोग किस गंदगी में, किस मुश्किलात में रह रहे थे, एकदम उसने कहा, मैंने आगे नहीं जाना है, मैं यहां पे हूं क्योंकि ये मेरे लिए यीशु का रास्ता है। उसने कराची में यीशु का रास्ता जान लिया। मेरे जीसो, अगर हम आज डायसीज के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को गौर करें, दारुल सुकून, मारी एडलेट लेप्रेसी सेंटर, डॉन बॉस्को बच्चों का, सेंट विंसेंट्स ओल्ड एज होम, मैरीवेल, हमारे स्कूल जो बस्तियों में है, हम जानते हैं कि ये कदम इस वजह से लिए गए ताकि हम गरीबों, माशरे से रद्द किए हुए लोगों के पास जाएं, अमीरों के पास नहीं, दौलत की तरफ नहीं। और यीशु हमेशा हमें गरीबों की तरफ ले जाता है, क्योंकि मुकद्दस विंसेंट डी पॉल ये कहता था, अगर तुम खुदा से मिलना चाहते हो, गरीबों के पास जाओ। बस ये जुमला, गरीबों के पास जाओ तो तुम्हें खुदा मिलेगा। और मेरे अजीजों, ये तीन चैलेंजेस हमारे सामने हैं। मैं आज आपका शुक्रिया कहना चाहता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग सब यहां पे आए हैं, और अगर हम इन तीन चैलेंजेस को कबूल करके उस पर अमल करें, तो मेरे अजीजों, उम्मीद मोहब्बत के साथ जब हम आने वाले 100 साल जुबली आज डायसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यकीनन खुदा हमें और भी ज्यादा बरकत, आज डायसिस ऑफ कराची को और भी ज्यादा बरकत दी जाएगी। खुदावंद हमें ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, एज वी हैव गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द क्लोजिंग ऑफ द 75th प्लैटिनम जुबली ईयर ऑफ द आर्चडायसीस ऑफ कराची, आवर हार्ट्स आर फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्सगिविंग, एंड येट वी आर रिमाइंडेड दैट वी हैव अ ट्रेजर, a treasure that we don't have to go out and search for in distant lands. Rather, this hidden treasure is located here in Karachi. This vibrant, active, joyful, and spirited and enterprising Catholic community of the Archdiocese of Karachi. During our celebration of the Jubilee year, we have reflected and celebrated so many events and managed to engage the youth and our families in prayer, reflection, sports and social activities. But now that we are coming to the close of our celebrations, we need to know the way forward from here. In the Gospel of today, Jesus speaks of the second coming of Christ, and he tells his disciples, "So when you see these things happening, know that the Christ is near at the very gate." Yes, indeed, the Christ is very near at our doorsteps. But how do we recognize the Christ amongst us? How can the Archdiocese of Karachi be a beacon of light
showing Christ to the people of Karachi. Dear friends, I like to place before you three challenges that we need to take up. The first challenge, invitation to the youth and families of the Archdiocese to follow Jesus. In 1849, Rome was under siege and it was soon to be attacked, and Giuseppe Garibaldi, the great Italian patriot, said to the young men of his days, "I offer neither pay nor quarters nor food. I offer only hunger, thirst, forced marches, battles, and death. Let him who loves his country with his heart and not merely with his lips follow me." When we look how the Archdiocese of Karachi has been able to contribute so much in education and health care for the people in Karachi, it was because of selfless and committed people within the Catholic community who were willing to make sacrifices and put themselves at the service of the community. The Archdiocese has parishes, schools, hospitals, rehabilitation homes, catechetical center, press, communication center, and so on. To run these offices and institutions, we need committed and vision-led people, and the challenge is to find them today. At his last pastoral visit of Karachi, the Apostolic Nuncio, His Grace Archbishop Germano Penamote, who is with us today, was shocked at the few seminarians that were there in the minor seminary. And today, a seminary that was built to house easily 50 minor seminarians has only 3 students there today. This is only the minor seminary, and I, as Archbishop, have been having a tough time to find the right person for the right post. Be it principals of schools, CEO of hospitals, directors of institutions, you name it. We need our youth and families of the Archdiocese of Karachi to know what Jesus is telling us today. All those who love the Archdiocese of Karachi with their hearts and not merely with their lips, follow me. The second challenge we have is walk the synodal journey. Recently, Pope Francis, with his bishops and lay people, concluded the 16th Ordinary Synod of Bishops, which was on the synodal way. And the theme has been all people walking together. Pope Francis insists that the nature of the church is synodal. But unfortunately, down the centuries, clericalism has taken root, where the power and authority within the church has been wrongly concentrated in the clergy. The other day I was in Lahore with all the bishops attending the general body meeting of Caritas Pakistan, a very important institution for the bishops. And there at the general body meeting, there were only and only male participants, absolutely no female members present. So much for gender equality. One of the best examples that I can give of synodal way is of Father Tanis Mascarenhas, who was, when I was in the seminary, my parish priest at Our Lady of Fatima. He was convinced that parish is of ours, me and my people. And he would nominate groups and tell them, "You will look after the confirmation class. You will look after the communion class. You will look after the summer program for the children. You will look after the renovation and looking after the church." And everyone was happy with these responsibilities. They felt thrilled. And there in the parish, people would say, "This is our parish." My dear people, this is the synodal way. And we have to be convinced of it, because if the church in the West is growing smaller and smaller,
it is because of the lack of the synodal way. And so the challenge for you, the challenge for me, the challenge for my priest is to walk the synodal way. And finally, the last third, walk the road of Jesus, a road that takes you to the poor and vulnerable of Karachi. The story of the life of Dr. Ruth Pfau is really a testimony of walking the road of Jesus. For when she stopped to rest in Karachi on her way to her mission station in India, she saw the lepers at the colony located near the city railway station. Then she made the decision there and then to walk the road of Jesus in Karachi. We see all our institutions that have been caring for the poor and vulnerable, Taral Sukoon, M. Marie Adelaide Leprosy Center, Don Bosco Home, St. Vincent's Home for the Aged, Maryville, our schools in the Basties, all give witness to walking the road of Jesus. The future success and glory of the Archdiocese is to continue to walk the road to the poor and vulnerable people of Karachi, for it is there that we will meet our Christ. My dear friends, at the end, once again, I wish to thank you for coming out in great numbers and being present here for this closing ceremony. And my prayer is this, that we, accepting these three challenges that I spoke of, we will then walk together with hope and love on this road with Jesus towards our centenary celebration of the Archdiocese of Karachi. God bless you all.